हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप कि आप लोग अच्छे हो। तो फ्रेंड्स, बिहार के मुखिया जी के लिए गुड न्यूज, और गुड न्यूज क्या है तमाम चीज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को बेहतर संचालन के लिए मुखिया से लेकर सरपंच और अधिकारियों से लेकर अनुरक्षक तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सोनपुर में बिहार राज्य पंचायती संसाधन केंद्र का निर्माण कराया जाएगा। 35,96,54,000 रुपए की लागत से 4 एकड़ में भवन का निर्माण कराया जाएगा। 2 मंजिला इमारत से अकादमिक ब्लॉक के अलावा प्रिंसिपल और प्रोफेसर भी रहेंगे। पंचायती राज विभाग ने पंचायत संसाधन केंद्र भवन निर्माण प्रस्ताव तैयार कर लोक वित्त समिति को भेज दिया गया है। लोक वित्त समिति से हरी झंडी मिलते ही कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष में भवन तैयार होने की उम्मीद है। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलग अलग बैच में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवासीय प्रशिक्षण के दौरान त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित नियम कायदों को जानकारी दी जाएगी, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि वित्त आयोग में अन्य स्रोतों से प्राप्त धन का समय पर उपयोग कैसे किया जाए। निर्धारित समय सीमा जो कार्य पूरा होने पर जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र कैसे जमा करें। जनप्रतिनिधि अधिकारियों के साथ साथ कर्तव्य को भी पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रोफेसर जनप्रतिनिधियों से बातचीत के आधार पर पंचायत की बेहतरी के लिए एक शोध पत्र भी तैयार करेंगे और प्रचार सहायक प्रोफेसर नियुक्ति संबंधित आयोग के माध्यम से की जाएगी। और मैं बता दूं कि 9500 अनुरक्षकों के साथ साथ 1,45,085 जनप्रतिनिधि अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। और अपर समर्थता सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद रसारण ने भवन निर्माण के लिए 4 एकड़ जमीन चिन्हित कर NOC पत्र के साथ पंचायती राज विभाग को सौंप दिया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा इसको कराया जाएगा। मैं बता दूं कि पंचायती जो कि मुखिया जी के लिए जो अपनी बेहतर शासन को चला सके उनके लिए इनको प्रशिक्षण किया जाएगा, ताकि जो है अपने जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है उनको सही ढंग से जो विकास करा सके। तो जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।